झारखंड के बोकारो में रविवार को उस समय हंगामा मच गया जब कोडरमा के पूर्व सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय के काफिले पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। यह घटना रविवार दोपहर की है। जानकारी के अनुसार पार्टी की ओर से आयोजित किसान मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पूर्व सांसद बोकारो के रास्ते धनबाद जा रहे थे। इसी दौरान तेल मोर्चा दामोदर पुल के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर हमला कर दिया, वाहन पर पथराव भी किया। इसमें वाहन के शीशे टूट गए, चालक और अंगरक्षक को उतार कर मारपीट की गई। इस मामले को लेकर चास के मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।